भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने पीसीसी महामंत्री राजेंद्र साहू के बयान की चुनाव में भाजपा 13 सीट से 14 करके दिखा दे, 13 सीट से और कम सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जितने भी वायदे किए थे उनको पूरा करने में सफल रही है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या इसलिए खुश है भूपेश सरकार से कि उन्होंने हर क्षेत्र में विफलताएं हासिल की है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में वायदा खिलाफी किया है और जनता को जनता नहीं समझते हैं। वो 13 को 14 करके दिखा देना, वो 13 से 14 नहीं होने वाले, 13 से और कम होगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जितने भी वादे किए थे उनको पूरा करने में सफल रही है और योजना जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हर घर को योजना का, किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ के किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं, युवा खुश हैं, महिला खुश हैं, गृहिणी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं और हर वर्ग को हमारी सरकार का, कांग्रेस की सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता क्या इसलिए खुश है भूपेश सरकार से कि उन्होंने हर क्षेत्र में विफलताएं हासिल की हैं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में वादा खिलाफी की है और जनता को जनता नहीं समझते हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये एक तरीका होता है कि युवा नग्न प्रदर्शन करते हैं? क्या खुशी इजहार करने का तरीका ये होता है कि 40,000 स्वास्थ्य कर्मी तूता मैदान में धरना देते हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये तात्पर्य होता है कि हमारे किसान भाई पिछले 2 सालों से धरना दे रहे हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि हमारी महिलाएं रायपुर में जाके वहां पर धरना दे रही हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि 300 किलोमीटर पैदल चल के आदिवासी रायपुर आते हैं, राजधानी आते हैं और अपना आक्रोश दिखाते हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि जो केंद्रीय मंत्री जो कवासी लखमा है उसका विरोध किया जाता है भानु प्रतापपुर में और आरक्षण को लेकर बहुत सारी चीजें उनको सुनाई जाती हैं और उनको उनका बहिष्कार किया जाता है? क्या खुशी इजहार करने का मतलब ये है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी थी? क्या इस वजह से खुश हो जनता भूपेश सरकार से कि उन्होंने 3 राज्यसभा सांसद बाहर से ला दिए? क्या इस वजह से खुश हो कि आपने घर घर शराब पहुंचा दिए? क्या इस वजह से भूपेश सरकार से खुश हो कि उन्होंने जनता को जनता समझा ही नहीं? क्या इस वजह से खुश हो कि उन्होंने विधवा पेंशन को रोक दिया 1500 का और वृद्धा पेंशन को रोक लिया? क्या इस वजह से खुश हो कि स्व सहायता समूह के जो कर्जा माफी था वो माफी करना था उसको आपने नहीं किया? क्या इस वजह से खुश हो कि लोकपाल बिल आप लाने वाले थे वो आप लोग नहीं ला पाए? क्या इस वजह से खुश हो कि आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया, इस वजह से खुश हो? देखिए, खोखले वादे और राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब चीजें की गई, इनके आका इनका यूज करते रहे, एटीएम बना के रखा और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम भूपेश सरकार ने किया, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है और उसका वो परिणाम देख लीजिएगा अभी 2 महीने के अंदर।